क्यों उठे दिल छोड़ रब 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 तुम तो उधर बीच में बैठ के मांझे लगा रब 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 चली गई थी पीछे चंगा भला त्योहार खट्टी में पै गया ओ किसको पता था साड़ी कुड़ी ऐ गुल खिलाएगी साड़ी कुड़ी परजाई जी ना मुंशी अपना है तो उसकी कुड़ी भी तो अपनी होगी मैं तो कहती हूँ बेड़ा गर्क है उस नामराद रांझन का ते लाहौर की सारी कुड़िया दा ना दिमाग खराब कर छड़िया सी ओ बुआ जी रांझन की कहानियां तो आप भी बड़े चाह से पढ़ते हो बड़े मजे से नहीं रब 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 अब मैं तो इसलिए पढ़ती हूँ ताकि उसकी बेहूदगी का ना अंदाजा लग सके ना सोचो अगर किसी रोज साड़ी अमृत ऐसी उल्टी सीधी बात है ऐसा जवाब देने लग जाता रब 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 तूफान कट के गिर जानी है मेरी पहले ही भड़के हुए बाऊजी मुंशी जी वाली बात से और तू कह रही है कि मैं जाके उन्हें बता दूं कि ये कहानियां लिखने वाली रांझन ये मैं ही हूँ फर्क क्या अमृत मुंशी जी की बात बताने में और तेरी बात समझाने में बहुत फर्क है तू समझ नहीं रही है वशमा अरे बाऊजी 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 संभल के कट कट अरे बाऊजी पतंग तो कट गई जरा सी ढील दी नहीं कि पतंग कट गई एलो जी लस्सी पियो खामा खा माथे की त्योरियां क्यों चढ़ी हुई है जी थोड़ी साड़ी अमरू मुंशी की कुड़ी जैसी थोड़ी ना है संस्कारी है जी नहीं राज रानी है वक्त बदल गया है जवानी की तलवार कब संस्कारों की बेड़ियों को काट दे पता ही नहीं चलता बेटी माँ के दिल में रहती है और बाप की पग में पगड़ी ऊंची हो जानी है तेरे बाबूजी की जब उन्हें पता चलेगा तेरे बारे में अरे रांझन कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है पूरे लाहौर का दिल जीत रखा है उसने अपनी कहानियों से अगर ये रांझन मुझे कहीं मिल जाए ना तो इससे सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इतने जूते मारूंगा कि वाहियात कहानियां लिखना तो तू अपना नाम तक भूल जाएगा अरे लानत है ऐसे लेखक पर रब ना करे कभी बाऊजी नु पता चले मेरे सपने मेरा आसमान है तू बाऊजी मेरी जमीन है वशमा अगर आसमान छूने के चक्कर में समीन छूट गई तो नहीं 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 पूरे लाहौर का प्यार एक तरफ और मेरे बाऊजी की पुचकार एक तरफ अमरू आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी लकीरें आपके मत्थे पे आती है ना तो नींद उसकी उड़ जाती है राज रानी है नींद उड़ने की उम्र तो मेरी है लड़की जवान हो गई है बस कोई अच्छा सा मुंडा मिल जाए जो उसे मुझसे ज्यादा खुश रख सके लो जी फिर तो मिल चुका मुंडा आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि अमरू को आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रख सकता है थोड़ी मन चली थोड़ी मुझोर है एक अलहड़ सी हसीना का परांदा ही मेरा पूरा लाहौर है हाय हाय सुभान अल्लाह माशाल्लाह एक ही फिक्रे में लाहौर और हसीना दोनों की तारीफ कर दी जनाब आपने है जी पर जनाब मैंने एक गल समझ नहीं आई मशहूर अखबार नव हिंद समाचार का एडिटर अपनी गड्डी छड़ के आजकल तांगे पे क्यों सवार है और जिस रांझन का जवाब नहीं आता उसे होने का क्यों इंतजार है जी ओए पर उस रंधेरा राजा के बारे में तो सोच क्या बात सिर्फ चिट्ठियों तक ही रह जाएगी क्या उसे भी कहीं पता नहीं चलेगा कि रांझन कौन है लगता तो मुश्किल है जनाब अजी जनाब अभी तक आपको ये तक नहीं पता कि रांझन कुड़ी है मुंडा है जी शर्फू मियां जब दिल किया गुजार दी जब दिल किया बिगाड़ दी जिंदगी तो मेरी थी किसी और ने गुजार दी क्या बात है जनाब क्या बात है
वैसे मेरा दिल कहता है कि ये बात लिखने वाली कोई सपनों की बेड़ियों में कैद लड़की हो सकती है। सच कहूं मुझे रांझन की कहानियां ना कभी कहानियां लगी ही नहीं। मेरा रिश्ता उसके अल्फाजों से नहीं उसके एहसासों से जुड़ चुका है। अगर उसके सपनों के चंद टुकड़े भी उसके हथेली पर रख पाए ना तो शर्फू मियां मैं समझूंगा कि मेरी तलाश मुकम्मल हुई। ख्याल तो माशाल्लाह बड़ा चंगा है जनाब, पर पूरा तभी होगा जब वो भी आपसे मिलना चाहेगी। मिलना है ना, जरूर मिलना है, क्यों नहीं मिलना, पर जब किस्मत में लिखा होगा तब। ओए अमृत। जी बाऊ जी। ओए पतंग संभाल अपनी, ओ नीला गुड्डा आ रहा है तेरी पतंग कटने के लिए। जी बाऊ जी। ओ नीला 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 खच चलो ले चलो चलो ले चलो अरे कुमार कुड़ी ने पतंग काटती। ओ बल्ले तेरे अमृत, ओ बल्ले खुश हो गया मैं। ओ डॉक्टर 20 साल हो गए हवेली गए हुए पर पतंग उड़ाने का मजा तो इस पुरानी हवेली की छत पे ही आता है। अरे मुंह मीठा कराओ यार। अरे चाचा जान देख रहे हैं डॉक्टर इकबाल के सामने मुंह मीठा करने की फरमाइश हो रही है। लाले ये उम्र मिठाई की नहीं दवाई की है। आज चुप करो तुसी सब, आज लाले की कुड़ी ने पतंग कुटी है, आज कोई दवाई वाई नहीं, आज भंगड़ा। लाले बीमार हो जाएगा। जरा पा लाइए चल चल। ओ कुड़ी रुक। ओ डॉक्टर तूने अभी सुई लगा दी है तो मैं एक जलेबी तो खाऊंगा यार। ना लाले ना। एक एक आधी वो देखो। अरे अबरार भाईजान आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका कराची? कराची तो वैसा ही है अपनी जगह, पर कुछ लोगों को वहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। रुखसत होना पड़ेगा मतलब इंशाल्लाह अगला बसंत दोनों अपने अपने मुल्कों में ही मनाएंगे। ये दो कौन है अबरार? हम सब एक हैं। बरसों से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यही हमारा मुल्क है। तालाब का मेंढक बनने का वक्त खत्म हो चुका है अब्बा जान। क्या जलसा था कराची में लीक का, अगर आप वहां मेरे साथ आते ना तो मेरी बात से इत्तफाक रखते। तुम उन लोगों की बातें मत सुना करो समझे। कुछ सियासतदान लोग अपने मंसूबे पूरे करने के लिए मुल्क को तकसीम करने के ख्वाब देख रहे हैं। जो भी अब्बा जान हम अपना हक लेकर रहेंगे। ओए अबरार किस की बात कर रहा है तू? हाँ चंद लोगों से मिलके ऐसी बेहुदा बातें करेगा? जबान को लगाम दे भानु। आहा तुम तो हमारी बातों को बेहुदा ही कहोगे क्योंकि तुम तो अपने लोगों का साथ दोगे ना। सही कहते हैं लोग कि हिंदुस्तान में तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो उन लीग वालों। क्या कर रहे तुम लोग, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? लाले माफी चाहता हूँ। ये कैसा शहर खुल गया है हवाओं में। कल तक जो एक दूसरे के गले मिलते थे आज एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। उनकी दोस्ती कच्ची थी अमृत, अगर हमारे जैसी होती ना तो ये नौबत कभी ना आती, है ना? पतंग हवा में उड़ के कितनी भी दूर क्यों ना निकल जाए पर ये नाम अमृत और वशमा कभी अलग नहीं होंगे।
क्या है? रात है। और इतनी रात को किसने आना है मेरा सर खाने? वैसे भी मुझे भूसा खाने का शौक नहीं है। भूसा? भूसा मतलब? हाँ तो कौन से कबाब भरे तेरे दिमाग में है? ओ तू जा, ओ तू जा उधर जा, बड़ी आई। ऐसे भी ना, मेरा कल हॉकी का मैच है, अगर अच्छे से खेला ना मैं, इंडिया वाली हॉकी टीम में सिलेक्शन हो जानी है मेरी। ओए होए 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 होए, तू इंडिया टीम में जाएगा इस टूटी हुई लकड़ी के सहारे? अच्छा ठीक है चल, आंखें बंद कर अपनी, मुझे ना जादू दिखाना है। वशमा मेरे को ना फालतू के काम नहीं करने अभी, समझी? बंद कर। वशमा मेरे को बंद कर। रब रब रब, पतंगबाजी तो कब की खत्म हो गई, ना इनकी पेचे अभी तक लड़ रही है। वधिया है। ओ यार अब तूने बताना है क्या जादू दिखा रही है तू कि मैं खोल दूं आंखें अपनी? बोल रही हूँ ना, पहले बोल। वशमा तू ना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। वशमा तू दुनिया दी सब तो चंगी कुड़ी है, आगे बोल। हाय अब बोल, तू ना होती तो। ओए तू मेरे साथ ना फालतू बकवास ना करकर कुछ भी बोलती रहती है, मैं जा रहा हूँ। ओए ओए ओ नहीं होकी, ओ नहीं होकी कहाँ से आई तेरे पास? खजूर खा, गुटलियाँ क्यों गिन रहा है? लाई तो थी कि कोई खुश हो जाए, पर यहाँ तो मत्थे की लकीरें भी कम नहीं हो रही। ये ले फेंक देती हूँ। ओ तूने नहीं होकी फेंक दी? वशमा बाऊजी, और चुन्नी संभाल कुड़िये। जी चाचा। ला दे हॉकी दे दे। ये ले और गाड़ दियो झंडा सुबह वाले मैच में, और हो जाए इंडिया वाली टीम में शामिल। अच्छा हाय, मोगर बेचारी की करे, अंग्रेजी दवाइयां खा के मरे, इस सर में दर्द ना आएगी। पाजी कोई गोली शोली हो तो दे दो। दराज विच। रब रब रब, ये सर का दर्द है। बड़ा ही पैड़ा जमाना आ गया है। भाई है कि मुंह खोलते ही जहर उगल रहा है, और पैन है कि मोहब्बत के पासे फेंक रही है। की बकवास कर रही है तू? बकवास? भाजी बकवास? रब 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 रब, बकवास नहीं कर रही मैं। हाय न, छाती से दुपट्टा यू दूर फेंक कर जवान मुंडे के सामने कर्तव्य दिखाने का क्या मतलब है? रब रब रब, आपने तो हॉकी तोड़ दी, मगर इकबाल की कुड़ी ने नवी हॉकी देकर तोड़ जोड़ दी। रब रब रब, नहीं बोले जा रही है तू? दोनों बचपन के दोस्त हैं। मगर बचपन के कपड़े जवानी में जिस्म ढकने के काम नहीं आते। और मोगर ने जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो नैन मटक का, वो दोस्ती से तो कुछ ज्यादा ही लग रहा था। मगर अपनी उल्टी सीधी बातों से ना तू वीर जी का दिमाग खराब कर रही है। वीर जी तुसे दूध पियो, चलो चल जा अपने कमरे च, आराम करने देने। हाँ उदय कल 11 बजे जाएगा नई हॉकी लेकर मैच खेलने। खैर
अब दूध पी के सो जाओ, आराम कर लो। नींद आ पाए तो रब 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 रब। स्कूल के बाद हमें चलना है, तैयारी रखना, ठीक है? कहाँ चलना है? अरे रणधीर से मिलने। अब्बाजान के एक मरीज से पता चला कि वो लाहौर आया हुआ है और सुल्तान सराय में ठहरा है। चलेगी ना? हाँ चलूंगी, पर मैं उसे ये नहीं बताने वाली कि मैं ही रांझन हूँ। हाँ हाँ तू चल तो सही, हो सकता है वहां जाके तेरी इरादा बदल जाए और तू उसे अपनी कहानी सुनाने लगे। बसंत का प्रेम फशमा। अच्छा चल जल्दी चल, हमें जाना है। आ, 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 ओए अमृत ये देख, सुल्तान सराय यही रुका है रणधीर राय सादा। अच्छा हाँ रुक तू। ओए शर्फू मियाँ एक बात बताइए। हाँ जी। अगर अचानक किसी से मिलने के बाद दिल में दुगदुगी होने लगे, सांसें तेज हो जाएं और पेट में गुड़गुड़ होने लगे तो उसे क्या समझा जाए? जनाब समझ लीजिए कि पेट में गैस हो रही है। जनाब चले। हाँ, जनाब आज तबीयत ठीक नहीं, आप हाँ दूसरा तंगा कर लीजिए। तांगा तो यही रहेगा जनाब, वरना बादल के साथ हमारी सैर और आपकी कमाई कैसे होगी? अब मैं क्या कहूँ, तबीयत। लेकिन मेरी तो तबीयत ठीक है ना। देखिए जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो आज तांगा मैं चला लेता हूँ, जो भी कमाई होगी दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। जैसे आप मुनासिब समझे, थोड़ा सा दीजिए। जी जी बिल्कुल आइए। हाँ तो बादल मियां निकला जाए। जनाब आज हम मीटिंग के लिए टांगी पे जाएंगे। अरे नहीं शर्फू मियां, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, आज तो हम लाहौर की गलियों से मिलेंगे। छी फर्क है। रब 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 रब। ओ मेरी किरण बाला, हाँ तूने कभी भूसे की कोठरी में माचिस की जलती हुई तीली डाली है? नहीं। बड़ा मजा आता है। कल ना हॉलिडे ना, मैंने ना ब्रिज बाजी को ये बता दिया कि ना कल उदय का मैच है, हॉकी का मैच है 11 बजे। तो पाजी लग गए बजाने उदय के 12। बाबूजी कुर्ते तो सारे दिखा दिए मैंने आपको। आज तो पुराना लेकर आ तू। बाबूजी मैं पुरानी वाली पेटी में देखता हूँ। बाबूजी मिल गया ये वाला, ये वाला आप पे बहुत सुंदर लगेगा, मैं पहना देता हूँ। स्त्री तेरी माँ के करेगी। मैं करके ले आता हूँ। ओ पुत्र क्या हुआ? नहीं जी कुछ नहीं। ओए चेती ले आ ले आ ले आ बाबूजी, बस एक मिनट। ओ राम नाल, ओ हाथ ना जलाई अपना। अच्छा तुझे कहाँ जाना है इतनी जल्दी, किस चीज की है? ओए बतिया तरीके से जल्दबाजी नहीं। जी जी बाबूजी लाया आप। जी हो गया ये लो जी, मैं आपको अभी बना देता हूँ। ये लो जी। अरे क्या, अरे क्या डर, ये डाल लो उदय। अरे इतनी जल्दी क्या हो रही है? बाबूजी इजाजत दें आप मुझे है? ये उदय 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 रामनाल, ये तो भाग गया। अब आएगा असली मजा।
चल 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 भस्मा। उदय से मैंने कह दिया है, एक घंटे बाद वो हमें लेने आ जाएगा, तब तक हम रणधीर से मिलके आराम से वापस आ जाएंगे। अगर तू उससे मिलने के बाद वापस आना चाहे तो। रहने दे रहने दे, मैं तो बस इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि तू जिद कर रही है। अच्छा जी ठीक है रहने देते, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा। ओए 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 बकवास न कर वशमा, चल मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन है जो मेरी चिट्ठियों के जवाब के लिए मरा जा रहा है। वही जिसपे पंजाब की सारी कुड़ियां मरती समेत तेरे है? मुझे तो बस उसकी ये बात अच्छी लगती है कि वो मेरी कहानियों की कद्र करता है, मुझे समझता है। ओए, 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 ओए। अच्छा फिर चले तेरे कद्र करने वाले के पास। ओए रंजन रंजन लबदे नी मैं अपे रंजन होई, ओए रंजन रंजन सद्दो रंधी ना खा कोई। बादल मियां इरशाद है कि काश कोई कश्ती तूफान से टकरा जाए, चांद बदली से निकले और दिल में समा जाए। करिश्मे होते हैं सुना था बहुत रंजन नामो एक हसीना का, और वो मेरे तांगे में आ जाए। ओए चल चल जल्दी सुल्तान सराय ले चल। सुल्तान सराय क्यों जाना है आप लोगों को? ओए तुझे क्यों इंटरव्यू दे, तांगा चला चुपचाप, चल चल जल्दी चल। अजी ठीक है बादल मियां, सुल्तान सराय चलते हैं। चली सुन वो होगा तो सही ना वहाँ। बड़े दरवाजे वाली डॉक्टर बेग की बेटी के साथ है तू, उनके इलाज और मेरी खबरें शर्तियाँ पक्की होती हैं। ओए तांगे वाले जरा तेज चलाइयो हाँ। चल चल चल। अच्छा यही रुकना, वापस भी चलना है हमें। सुनिए अस्सलाम वालेकुम, रणधीर साहब यही रुके? जी हाँ, और मिल लीजिए रणधीर। अरे मिलना उनके खादिम से जो उन्हें हर रोज इसी तांगे पे शेर की सवारी कराने लेके जाता है। क्या जी? मतलब इसी तांगे पे जिस पर हम अभी अभी बैठ कर आए? हाँ जी बिल्कुल इसी तांगे पे, लेकिन क्या है ना जनाब ना हमारे साथ यहाँ बैठते सट के बिल्कुल इसी पास में। और सुनिए अगर आप दोनों को कभी वो चाहिए हो ना, क्या कहते हैं वो कलम और पेपर में लिख करते हैं ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ कभी चाहिए हो ना तो हमें बता दीजिएगा, हम लेकर रख लेंगे जनाब आपसे। आप मिलवा सकते हैं हमें उनसे? अच्छे जनाब को खुद से मिलने की फुर्सत नहीं है क्या? आप लोगों से मिलेंगे एक बार बताएं आप लोगों को जनाब ना, हवा का झोंका है कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी कहाँ है ये बताइए। अच्छा बताया ना आपको कभी यहाँ कभी। ठीक है जहाँ से बैठे थे वहीं छोड़ दीजिए आप हमें। ओए मैं पूछ रही हूँ नहीं पता चलेगा, चल तो सुनते नहीं है मेरी बात। ओए सुन तूने रणधीर रायजादा को तो देखा होगा ना, दिखते कैसे है वो? अजी आप कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, दोपहर होते होते तो मुरझा ही जाता है ना धूप से। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि 50-52 साल की उम्र में अपने आप को कौन कितना ही संभाल सकता है। जनाब के बाल सफेद हो गए, चेहरा झुकने लगा है, लेकिन हाँ बाल करने का अंदाज ना अजीब माशाल्लाह है जनाब का। सुभानअल्लाह। अच्छा हमें तो लगा था बड़े खूबसूरत नौजवान है आपके रणधीर बाबू। दो तीरों पे ना किसी का बस नहीं है, एक हवा पे और दूसरे अफवाह। ओए तो आगे देख के तांगा चला। जी 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 जी। कोई तो अंदाजा होगा आपको किस वक्त वो होंगे कहाँ? ये बिल्कुल है, लेकिन अंदाजे की कीमत होती है मैडम जी, वरना लड़कियाँ तो बहुत आती है जनाब का पता पूछने वाली। हाँ 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 तो दे देंगे पैसे, चलो अब बताओ। अरे हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। ओए लगाम असले भाई तेरी तो। हमें हमारे कहने का मतलब ये है वो लाहौर की है ना जी, वो फनकार रंजन, हमें उनका पता चाहिए, सुना है बहुत अच्छा लिखती है वो। तुम्हें कैसे पता? अरे हमें कैसे पता होगा, वो जनाब रणधीर है ना,
वो उनकी कहानियों से बड़े मुतासर हैं। वो क्या है ना, देखिए अगर हम आपको रंजन का पता बता देंगे ना तो वो अपना पता बताए जाने पे हमसे नाराज नहीं होंगे। इतनी सी बात है, आपने हमारा गला ही मसक दिया। जाने दे, बेकार में गुलफाम बन रहा, छोड़ी से। अरे आप रास्ता भूल गए क्या? दाएं मोड़िए। जी से खेलते हो, जबा चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले। मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। क्यों उठे दिल छोड़ आए। बादल मियां, असली कमाई तो आज हुई। आज बड़ा मजा आने वाला है। आज ब्रज बाजी का पुराना कुर्ता और उनकी इज्जत दोनों ही फटेगी। चिर। आज बुलाया है भांडो को अपने गुणगान सुनने के लिए। रब 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 रब, मौकर बेचारी की करे, फटी इज्जत थकती फिरे। पर जाई जी जल्दी से शाल दो मेरे को। ओए चल, कोई गल नहीं, इसी मंडली के साथ अगले पिंड चला जा। कोई ना कोई तो तेरे कुर्ता दे देना है। ओए कल्ला बेचारा, कोई देखभाल करने वाली कोई नहीं। ओ कल्ला भी और अपाहिज भी, दोबारा कोई नु मिलनी भी नहीं पुट्टू। कौन सी कहावत है, मैंने तो याद भी नहीं। घर को आग लगाए घर का चिराग। अगर उदय कुर्ता निकालने में लापरवाही ना करता ना तो भरे बाजार तुम्हारी इज्जत ऐसे चिरना गई होती। तो दो घंटे पहले ही खत्म हो गया था। किरण, गोलगप्पे खिलाने लेके गया था दोनों को, मेरे साथ थी, तुझे भी लेके चलूंगा। ठीक है वीर जी को ना सबको एक खुशखबरी सुनानी है, वो उनका। ओ अमृत अमृत, आ जाने दे सबको, साथ में बताएंगे। ठीक है मुझे बता दे। सबको साथ में बताएंगे किरण। कुछ फायदा नहीं हुआ, रणधीर आए ज्यादा को तो देखने भी नहीं मिला। चल बता आगे कौन सी कहानी लिखने को सोच रही है तू? कोई कहानी शानी नहीं सोची है मैंने, मुझे बस अपनी डायरी संभाल के रख देनी है। वशमा, डायरी कहाँ है? इसमें तो नहीं है। ठीक से देख, सवेरे तेरे बैग में रखी थी मैंने। वशमा, नहीं है इसमें। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सवेरे बैग में रख, मेरे बैग में दी। इसमें जल्दी देख। तू एक ही क्या देख रही है पूरा?
डायरी? तू समझ नहीं रही है वशमा, वो तांगे वाला रणधीर को जानता है और अगर उसने वो डायरी पढ़ ली तो रांझन का राज खुल जाएगा और अगर बाऊजी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी वशमा। तू रो मत। देख अगर तू रोएगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तू यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ। देख ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस टांगे वाले की नजर ही ना पड़ी हो डायरी पे। ऐसे ही होना चाहिए। वो डायरी वो जल जाए, गल जाए, वो बह जाए, वो किसी के हाथ ना है। ऐसा ही होगा, देख लेना, ऐसे ही होगा। हाँ छोटे लाला जी दरवाजा खोलिए। छोटे लाला जी क्या हुआ, वीर जी ने खाना नहीं खाया? जी सुबह से दरवाजा भी नहीं खोला है। आज सुबह से ऐसे ही बैठे हैं अंदर। अच्छा वीर जी दरवाजा खोलिए। मामी जी मामा जी बुला रहे हैं। उदय वीर जी कोई बहुत चंगी खबर लेकर आए हैं। ओए चल भाई हुन बता भी दे की खुशखबरी है, और कितना इंतजार कराएगा। हले बाऊजी नहीं आए ना बेचारे के। ओए उसको मैं अलग से रबड़ी के साथ खुशखबरी दे दूंगा, तू जल्दी से बता क्या बात है। हाँ बोल। ताई जी वो मेरा ना इंडिया वाली हॉकी टीम में ना सिलेक्शन हो गई है। वाह पुत्रा खुश कीते तू मेरे शेरा। वाह ओए वाह 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 वाह। ओए मैं तो समझता था कि तू ऐवें ही दिन भर हॉकी लेके इधर उधर घूमता रहता है, पर तूने तो अपना सपना सच कर दिखाया। इधर आ बुआ के पास। कौन छुएगा खुश कीता? देखा तेरे बाऊजी कितने खुश हैं आज। चल बता दे अपने सपने के बारे में, बता दे कि तू कहानियां लिखती है, बता दे कि तू औरतों की पाबंदियों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी उड़ानों के बारे में क्या सोचती, बता दे। जा जा। बहुत बहुत बधाई यार। बाऊजी बाऊजी बाप की पगड़ी उछाल के जश्न मनाया जा रहा है। और लाना था ऐसी कामयाबी पे जो बाप की इज्जत बेच के मिले। वो भांड मरासी तेरे बाप का मुखौल उड़ाकर चले गए और तू सब अच्छा पट रहा है। भौजी लेकिन सवाल आ रहा है कब। खबरदार अगर आज के बाद तूने जवान बेटे पे हाथ उठाया तो। बचपन से लेके आज तक तू ऐसे ही करता है। इसकी माँ के मरने का दोष भी तूने इसके मत्थे मर दिया। इस बात का गुस्सा निकाल रहा तू इस पे? हैं? वो ऐसे पुत्र तो नसीब वालों को मिलते हैं। घर में इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी तेरे सारे काम खुद करता है। तू खेल पुत्र आके, मैं भी देखता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कौन रोकता है। आज से तेरा हर एक सपना ना मेरा सपना है। तू खेला की पाउची। हाँ पुत्र। मेरा भी एक सपना है। हाँ पुत्र दास की चाहिए पाउची। मैं कहानियां लिखना चाहती हूँ, बल्कि मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी भी हैं और किसी और नाम से अखबार में छपाई भी है।
अच्छा किस नाम से? रंजन के नाम, रंजन के नाम, रंजन के नाम से। पर अब मैं अपने नाम से कहानियां लिखना चाहती हूँ। दस की जाएगा, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। ओए अब्दुल, ओए मुंह मीठा करा सबदा। जी बाबूजी। ओए आज ना मेरे पुत्र ने मेरी छाती चौड़ी कर दी है। सपने पूरे करने का सिर्फ सपनी मत देख, जा जाके कहते बाबूजी को। नहीं, हम लड़कियों की कुछ बातें सपना बनकर रह जाए तो ही बेहतर है। हाय मेरे रब्बा, मेरे रंजन होने की सच्चाई किसी को पता मत चलने देना। लगता हूँ लड़कियों की डायरी गिर गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.